हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरफेस के अंदर से जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, अगर हम उन इलेक्ट्रिक लाइंस को काउंट कर लें तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जो लाइनें सरफेस के अंदर एंटर करती हैं उन्हें हम इनकमिंग फ्लक्स के नाम से जानते हैं और जो सरफेस से बाहर निकलती हैं उन्हें हम आउटगोइंग फ्लक्स के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। हमने कुछ कंडीशंस भी आप लोगों को बताई थी जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगी। दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल है, और दूसरा फॉर्मूला हमारा वेक्टर फॉर्म में था स्टूडेंट, वो था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी यहाँ तक थी बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं कि कल की क्लास से आगे का काम हमारा क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारे पास में कुछ पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। नोट पॉइंट नंबर वन की हम लोग बात करते हैं बच्चों। जरा देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी रीजन में इतना दे रखा है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ऑलरेडी गिवन है भाई आप लोगों को बच्चों। इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ये जो i के ऊपर कैप है ना बच्चों, ये x की डायरेक्शन को दिखाता है, ये y की डायरेक्शन को दिखाता है और ये z की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये x की डायरेक्शन को, ये y की डायरेक्शन को, ये z की डायरेक्शन को, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है। ओके, हमें एक एरिया दिया गया है बच्चों। एरिया देखो, एरिया कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये इतना एरिया है। ये दोनों वैल्यूज गिवन है हम लोगों को कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना है, एरिया इतना है। आपको ये बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारी लाइन्स होंगी स्टूडेंट, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइन्स का नाम देते हैं। आपको ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया के अंदर से अगर पास हो रही हैं तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये हमारे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला है बच्चों। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, बहुत आसान काम है बच्चों। आपको सिर्फ इतना करना है, आई के जो सामने लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई आई वाले कॉफिशेंट से करनी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, आई के सामने लिखा हुआ है 2 और यहाँ आई के सामने लिखा हुआ है 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है 4, प्लस यहाँ जे के सामने 2 है, यहाँ जे के सामने 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, प्लस यहाँ k के सामने 3 है, यहाँ k के सामने 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6। सो फ्लक्स इज इक्वल टू 14 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। आई जे और के कैप, ये तो x, y और z की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, एरिया हमें वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, हमें ये बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स निकालने का तरीका बहुत आसान है बच्चों। तरीका ये है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, फ्लक्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट। आइए जानते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि है क्या। देखो भाई बच्चों, पॉइंट नंबर 2 ये है कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को गिवन दे रखा है। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आई जे और के क्या है। आई एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जे वाई की डायरेक्शन है, के जेड की डायरेक्शन है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये हमारा तरीका होता है बच्चों। अब देखिए कि आप लोगों से कहा क्या है। आप लोगों से ये कहा है कि भाई एक एरिया है हमारे पास में, एरिया है इतना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। ध्यान से बात सुनिएगा, वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है जरा आप देखो। वाई जेड प्लेन का मतलब ये है कि ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। ये जो एरिया है अपने पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में ऐसे है भाई वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, वाई के और जेड के बीच में है स्टूडेंट, कुछ ऐसे है। हमें ये बताना है कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इस ब्लैक वाले पोर्शन से कितनी लाइनें पास होंगी, ब्लैक वाले पोर्शन से कितना फ्लक्स पास होगा। बच्चों हमें ये बताना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है स्टूडेंट, ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे बताएंगे भाई। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट। एरिया कितना होगा, सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग एरिया को सही तरीके से कैलकुलेट करें स्टूडेंट। एरिया वेक्टर कितना होने वाला है ये हमें देखना है। देखो भाई एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां क्या लिखा हुआ है, वाई जेड प्लेन, वाई माने ऊपर और जेड माने बाहर, यानी ऐसे है ऐसे। ध्यान से, एक जो साइड है वो तो वाई के पैरेलल है, दूसरी साइड जेड के पैरेलल है। हमने माना कि जेड तो है इधर, वाई है ऊपर, तो ऐसे है बच्चों, ये वाली साइड जेड यानी बाहर की तरफ है, ये वाली साइड ऊपर की तरफ है। तो अगर एरिया ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे और परपेंडिकुलर एक्स की डायरेक्शन में जाएगा। किसकी डायरेक्शन में जाएगा, एक्स। तो एक्स के डायरेक्शन में जाने की वजह से यहां हम लगा देंगे आई कैप, यहां लगा देंगे आई कैप। भाई एक बहुत आसान तरीका बताता हूं, इतना कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप मुझे ये बताएं कि एरिया कहां है। आप कहोगे कि सर एरिया वाई जेड प्लेन में है, आप कहोगे कि सर वाई भी है जेड भी है लेकिन एक्स नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो ना हो ना इसके अंदर, एक्स नहीं है ना, एक्स का मतलब मैंने क्या बताया पीछे, एक्स का मतलब आई कैप से है। अगर x यहां नहीं है तो x का मतलब i कैप से है, i कैप इसके पीछे लगा दो, बस इतना करना है आप लोगों को। अब मुझे आप एक बात बताएं बच्चों, flux is equal to यहां i के सामने क्या लिखा है 2 और यहां i के सामने लिखा है ये, यहां i का कॉफिशियंट 2 है, यहां i का कॉफिशियंट इतना है, मल्टीप्लाई करिए आंसर बनेगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिर्फ आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले से करनी है क्योंकि दूसरे वाले में ना तो जे है और ना ही के है, फिर मल्टीप्लाई करने की ही क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है बच्चों। सिर्फ आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले से हम लोग कर देंगे तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया है बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक का काम आप लोगों को समझ में आया होगा और कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। आगे चलकर हमारे पास में कई सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं जिनकी थ्योरी लिखी हुई है और वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों। अभी आप लोग इसे वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसे नोट डाउन करिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या बनता है जरा गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतना दे रखा है 2i कैप माइनस 4k कैप। देखो j नहीं है इसके अंदर, सिर्फ i है और k है। i का मतलब x और k का मतलब z, सिर्फ i है और k है। एरिया हम लोगों को दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन xy प्लेन, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन xy प्लेन। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोगों से पूछा है भैया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होने वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग बच्चों। भाई सबसे पहले आप ये देखो कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है अपने पास में वो ये है, E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। सो फ्लक्स इज इक्वल टू,
इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है 2i कैप माइनस 4k कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में आएगा डॉट, ठीक है। अब आप देखें कि एरिया कितना है, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है बच्चों, एक्स वाई प्लेन। अब मैंने बड़ा शानदार बड़ा सुपर तरीका आप लोगों को बताया, एक्स वाई प्लेन, देखो यहाँ एक्स भी है, आप कहोगे कि सर एक्स भी है, ठीक है भाई एक्स है, वाई भी है, बिल्कुल वाई है, क्या जेड है, आप कहोगे कि नहीं सर जेड नहीं है। अगर जेड नहीं है, जो वेक्टर यहाँ नहीं है, जो डायरेक्शन यहाँ नहीं है, जो डायरेक्शन यहाँ नहीं है, उसे वेक्टर की फॉर्म में यहाँ लिख दो भाई, एक्स भी है और वाई भी है एरिया में, जेड नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि इस एरिया का जो वेक्टर होगा वो जेड की डायरेक्शन में जाएगा। जो कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं है, वेक्टर उसी की डायरेक्शन में जाना है बच्चों, तो ये हो गया के कैप। अब आप देखो मेरे पास में जरा, यहाँ के सामने क्या है, माइनस फोर, और यहाँ के सामने ये है, सिर्फ k वाले की मल्टीप्लाई k वाले से होगी, क्योंकि यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, जो दोनों में कॉमन है ना, यहाँ i है, क्या यहाँ i है, आप कहोगे कि नहीं है, तो क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ k वाले की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा माइनस के 80 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, करिए नोट डाउन जल्दी से। देखो भाई, एक और कंडीशन हम इसके अंदर देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन दिया है 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, सिर्फ आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है बच्चों, ओनली आई कैप आप लोगों को दिया है, और ये कहा कि हमारे पास में एक एरिया है, हमारे पास में एक एरिया है, और एरिया की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो फ्लक्स बताना है कितना होगा, तो प्यारे बच्चों जरा आप देखो कि फ्लक्स निकालने का तरीका होता क्या है। हमारे पास में फ्लक्स निकालने का तरीका है स्टूडेंट, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसके बाद देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर 100 आई कैप, हो गया 100 आई कैप डॉट, एरिया वेक्टर कितना होगा स्टूडेंट, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख देंगे 10 की पावर माइनस 4, लिखा 10 टू द पावर माइनस 4, और ये कहां पर है, ये है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन। अब आप देखो, x भी है, बिल्कुल x है, y भी है, बिल्कुल y है, क्या नहीं है, आप कहोगे कि सर z नहीं है, और z का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है k कैप, क्या होता है k कैप, तो मैंने इसके पीछे लगा दिया है k कैप। ओके, अब देखो आगे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ भाई। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ i है, सिर्फ i है ना, अगर मैं चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 100 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ठीक है, ना तो यहां जे था ना यहां के था, मैंने अपनी तरफ से लगा दिया 0 जे और 0 के, जब नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है। अब वहां आते हैं, बीच में है डॉट, देखो यहां क्या है के, ना तो यहां आई है ना यहां जे है, तो मैंने लिख दिया 0 आई प्लस 0 जे प्लस 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के, ठीक है, जो नहीं था ना वहां पर मैंने अपनी तरफ से लगा दिया 0 करके। अब देखो भाई मेरे पास में बचा क्या, यहां i के सामने क्या है 100 और यहां i के सामने क्या है 0,
मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बनेगा जीरो। यहाँ जे के सामने क्या है? जीरो। यहाँ जे के सामने जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। यहाँ के सामने जीरो, यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। यानी इस कंडीशन में जो इस एरिए से फ्लक्स पास होगा बच्चों, वो हमारा जीरो के बराबर रहेगा। स्टूडेंट, इस कंडीशन में जो फ्लक्स पास होने वाला है इस एरिए से, वो हमारा जीरो रहने वाला है बच्चों। उम्मीद है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि अगर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल आता है, थ्योरेटिकल का मतलब है कि थ्योरी लिखी हुई आती है प्रॉब्लम की, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई आती है, फिर हम लोग कैसे प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। ये रही भाई हमारे पास में प्रॉब्लम, कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं, जरा देखिए आप लोग क्या है क्वेश्चन, जरा देखें। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, भाई हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर इज इक्वल टू 3×10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से देखकर, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ आई है ना, आई ना तो जे है और ना के है, तो मैंने जे को अपनी तरफ से लिख दिया जीरो जे, के को मैंने अपनी तरफ से लिख दिया जीरो के। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों। भाई आई तो मुझे गिवन ऑलरेडी अपने आप उसने दे रखा था, जे मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, के मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, तो मेरे सामने ये कंडीशन बन गई 3×10³ आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। समझे ना बात को बच्चों? ओके, अब देखो आगे कंडीशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है बच्चों, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 10 सेंटीमीटर, एक साइड उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ध्यान से एक साइड उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एरिया कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात देखो बच्चों, उसने कहा है whose plane is parallel to z plane, whose plane is parallel to z plane। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, उसका जो प्लेन है वो z के पैरेलल है, उसका जो प्लेन है वो z के पैरेलल है स्टूडेंट। अब z के पैरेलल होने का मतलब क्या है, जरा आप लोग समझें बच्चों। Z के पैरेलल होने का मतलब यह है कि उसका जो परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल ध्यान से बात को समझे भाई, इसका जो परपेंडिकुलर होने वाला है वो हमारा किस तरफ जाने वाला है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि आप लोग इस बात को समझ पाए। भाई माना कि ये तो है X, ये है Y और ये है Z, ठीक है, समझिएगा गौर से, ये Z है। अगर ये Z है तो वो ऐसे होगा, ऐसे Z के पैरेलल, ये Z है ना, मार्कर Z को दिखाता है, तो एरिया ऐसे होगा, ऐसे Z के पैरेलल। अगर Z के पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये डायरेक्शन हमने किसकी मानी है, ये डायरेक्शन हमने X की मानी है, तो इसके पीछे लग जाएगा I कैप। दोबारा से सुने ध्यान से, उसने पहले पॉइंट में कहा कि जो इसका प्लेन है वो Z के पैरेलल है। अरे भैया Z के पैरेलल होने का मतलब क्या है, पहले तो आप लोग ये समझें जरा। भाई मैंने माना कि ये तो है X, ये है Y और सामने की तरफ है Z। अगर Z सामने की तरफ है तो इसका मतलब यह है कि प्लेन ऐसे है, ये Z है, ये ऐसे Z है, प्लेन ऐसे है Z के पैरेलल, Z के पैरेलल, Z के पैरेलल। अगर ये पैरेलल है, प्लेन ऐसे है, तो प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, मैंने कल की क्लास में बताया था, भूलना नहीं है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो वो जाएगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन हमने पहले ही मान रखी है एक्स की डायरेक्शन, और एक्स का मतलब होता है आई कैप से। तो ये बना भैया हमारे पास में 100×10⁴। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 100×10⁴, ठीक है, यहाँ लगेगा भाई हमारे पास में आई कैप, ठीक है, प्लस जे नहीं है, जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप।
स्टूडेंट ये रिजल्ट अपने पास में बना 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 जे के कैप। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 0 की मल्टीप्लाई 0 से, 0 की मल्टीप्लाई 0 से, आई के सामने ये लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई आई के सामने वाले से करेंगे। ये तो डॉट निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले से, मल्टीप्लाई करने के बाद में आई का काम खत्म, उसे वहां से हटा दो। जे वाले की मल्टीप्लाई जे वाले से, के वाले की मल्टीप्लाई के वाले से, इसकी मल्टीप्लाई जब हम यहां करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4। देखो रिजल्ट मेरे पास में बना 300 इंटू 10 की पावर माइनस 1, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट बना, यानी जो प्लेन Z के पैरेलल है, बताओ ये Z के पैरेलल वाली कहानी तुमने समझी ना, ये X, अगर वो कहता X के पैरेलल है तो मैं ऐसे बना देता, अगर वो कहता Y के पैरेलल है तो मैं ऐसे बना देता, उसने कहा कि Z के पैरेलल है, मैंने ऐसे Z माना हुआ है तो मैंने एरिया वेक्टर ऐसे बना दिया, परपेंडिकुलर इधर चला गया। अगर X के पैरेलल होता तो एरिया ऐसे होता, परपेंडिकुलर Z की डायरेक्शन में जाता। अगर Y के पैरेलल होता, ध्यान से, अगर Y के पैरेलल होता तो ये कंडीशन हमारी बनने वाली थी बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी यहां तक। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं उसके, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है, सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी इस बार ये जो प्लेन है ये जेड के पैरेलल नहीं है, जेड के पैरेलल नहीं है, ये जो प्लेन है इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कहानी इस बार कुछ ऐसी है बच्चों कि ये प्लेन है हमारे पास में, थोड़ी सी सिचुएशन उसने बदल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, ये एरिया है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसने कहा कि एरिया के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है, अब बताइए फ्लक्स कितना होगा। भाई हमने कहा कि अब फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 60, ई इंटू ए की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 30, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आंसर इज 15 न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, ई ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 30, निकाल चुके हैं ना 30, उसने कहा कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो फ्लक्स कितना होगा, हमने कहा भाई अगर 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझो भैया, गड़बड़ नहीं करनी है, बड़े प्यार से बात को समझना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आप लोग बाद में आकर डाउट्स पूछते हैं कि सर ये हम नहीं कर पाए, समय पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए जब कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर आप अच्छे से गौर करें कि भाई वो चीज़ कैसे हम लोगों को पढ़ाई जा रही है, तभी के तभी अपने डाउट क्लियर करें। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान से समझना सीखिए। तो फ्लक्स की वैल्यू होगी ई ए कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ई ए है आपके पास में 30, सॉल्व करेंगे आंसर है 15 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, करिए फटाफट नोट डाउन, आगे भी हमारे पास में ऐसी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले आप इसे नोट डाउन करिए।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे हम लोगों ने आंसर बनाया है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सबसे पहले ये देखो कि एरिया कहाँ जा रहा है और उसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा। जैसे पहले वाले में उसने कहा है कि जेड के पैरेलल है, अगर एरिया जेड के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर इधर जाएगा बच्चों, और ये डायरेक्शन हमारी एक्स की है, तो एक्स की वजह से मैंने आई कैप इसके पीछे लगा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमें गिवन था आई के साथ, ना तो जे था ना के था, तो मैंने लगा दिया जीरो जे प्लस जीरो के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, ये एरिया बन चुका है, इसमें भी सिर्फ आई है, ना जे है ना के है, तो मैंने जीरो जे जीरो के लगा दिया। मल्टीप्लाई करी फ्लक्स सामने, 60 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ये। ओके चलिए बच्चों, अभी हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या है भाई अपने पास में। देखो भाई प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जरा समझनी है आप लोगों को बात। प्रॉब्लम हमारे पास में ये है स्टूडेंट, ए हेमी स्पेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व सरफेस इफ द फील्ड इज पैरेलल टू बेस एंड परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बेस के पैरेलल है। तुम एक बात बताओ यार, थोड़ा सा गौर करना ध्यान से, ठीक है। उसने ये कहा कि कर्व सरफेस है, दिख रहा है कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है आपका, इस कर्व सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, ये जो मैंने ब्लैक मार्किंग की है, ये आपका कर्व सरफेस है और ये आपका सर्कुलर सरफेस है, ये सर्कुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो इस फिगर में अगर मैं देखूं, तीन लाइनें एंटर कर रही हैं, तीन लाइन एंटर कर रही हैं, तो ये कहलाएगा इनकमिंग फ्लक्स, और तीन लाइनें बाहर निकल रही हैं, ये कहलाएगा आउटगोइंग फ्लक्स। और मैंने आप लोगों से ये कहा था बच्चों कि जब इक्वल नंबर ऑफ लाइन किसी बॉडी के अंदर एंटर करें और उतनी ही लाइन दूसरे तरफ से बाहर निकल जाएं, उस कंडीशन में टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। बहुत सुपर पॉइंट है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर वन मार्क्स में, या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आगे भी बन सकती है, आप फोकस करें इसके ऊपर अच्छे तरीके से। देखो तीन लाइनें हैं आपके पास में, ये इस तरफ के सरफेस से इन्होंने एंटर किया और कर्व सरफेस से ही बाहर निकल गई, एक तरफ से इन्होंने एंटर किया दूसरी तरफ से ये बाहर निकल गई, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई कि तीन लाइनें एंटर किया था और तीन लाइनें बाहर निकल गई, इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो के बराबर है, ठीक है। अब यहां आइए बच्चों, देखो आप ध्यान से बात सुनिएगा, मैं ये कहूंगा कि यहां लाइनें जो है ना वो बेस से तो एंटर कर रही हैं, कहां से एंटर कर रही हैं, बेस से, बेस, और कर्व से बाहर निकल रही हैं, ये तो हो गया बेस, दिस इज बेस, ये बेस है भाई हमारे पास में बच्चों, और ये हमारे पास में कर्व है स्टूडेंट, कर्व, ठीक है, बेस से एंटर कर रही हैं, कर्व से बाहर निकल रही हैं। मैं कहूंगा कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतने ही बाहर निकल रही हैं। दूसरी बात हम क्या कहेंगे बच्चों, दूसरी बात हम ये कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात हम ये कहेंगे कि बेस से तो एंटर कर रही हैं, तो बेस काम कर रहा है इनकमिंग फ्लक्स का, और कर्व से बाहर निकल रही हैं, कर्व काम कर रहा है आउटगोइंग फ्लक्स का, यहां से लाइनें घुस रही हैं वहां से बाहर निकल रही हैं, तो बेस काम कर रहा है इनकमिंग फ्लक्स, और कर्व काम कर रहा है, ये कर्व है स्टूडेंट कर्व, यहां से लाइनें बाहर निकल रही हैं तो ये आउटगोइंग का काम कर रहा है। हमें कर्व का फ्लक्स चाहिए, तो कर्व का फ्लक्स हो जाएगा फाई कर्व इज इक्वल टू माइनस के फाई बेस, सो फाई कर्व इज इक्वल टू माइनस फाई बेस, को हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई बेस ऐसे है ना, बेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर जाएगा नीचे, परपेंडिकुलर, बेस ऐसे है भाई, समझो बात को ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, लाइंस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, बेस नीचे है, बेस का जो परपेंडिकुलर है वो नीचे है, एंगल बना 180 डिग्री का बच्चों, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, तो मैं फाई बेस को लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस 180,
लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप बेस का फ्लक्स निकालेंगे यानी इनकमिंग फ्लक्स निकालेंगे तो सिर्फ वही एरिया आपको लेना है जहां से लाइन एंटर कर रही है बच्चों, एक्स्ट्रा एरिया लेने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखो फाई कर्व इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला एरिया जहां से लाइन घुस रही है, ये वाला जिस पे मैं रेड मार्किंग कर रहा हूं ना बच्चों, ये वाला एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन। सो फाई कर्व इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेकंड वाले का आंसर है बच्चों, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई मैं एक बार और बताता हूँ यार, इतना जल्दी तो समझने वाले हैं नहीं आप लोग, ध्यान से सुने बात को। ये कर्व सरफेस है, देखो यहाँ से कुछ लाइनें आप लोगों को दिख रही हैं जो कर्व के अंदर से एंटर कर रही हैं और दूसरी तरफ कर्व से ही बाहर निकल रही हैं, यानी इस वाले क्वेश्चन में बेस का कोई भी रूल नहीं है, कर्व से ही तो एंटर कर रही हैं, कर्व से ही बाहर निकल रही हैं। तो क्या कहोगे, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है कर्व से? आप कहोगे जीरो, क्योंकि जितनी लाइनें कर्व से एंटर कर रही हैं बिल्कुल उतनी ही लाइनें कर्व से बाहर निकल रही हैं, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व इज जीरो, कर्व से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जीरो के बराबर है बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है, लाइनें बेस से तो एंटर कर रही हैं और कर्व से बाहर निकल रही है, हालांकि पूरी बॉडी के अंदर, अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं, मैं होल बॉडी की बात करूं, तो जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं बिल्कुल उतनी ही लाइनें बाहर निकल रही हैं अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं, लेकिन बेस से कर रही हैं एंटर और कर्व से निकल रही हैं बाहर, तो मैं कहूंगा कि टोटल फ्लक्स जीरो है, पूरी बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स जीरो है, लेकिन शर्त यह है कि बेस से तो एंटर करेंगी, यानी इनकमिंग फ्लक्स का काम करेगा बेस और आउटगोइंग का काम करेगा कर्व। हमें कर्व चाहिए तो बेस को इधर ले गए, बेस का फ्लक्स अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ई ए कॉस थीटा। भाई इसका बेस कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, अगर ये पूरा सर्कुलर है तो नीचे का जो प्लेन एरिया होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, हमेशा परपेंडिकुलर खुली हवा में ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ नहीं करेंगे आप लोग। बेस का सरफेस ऐसा है, ये गोल सरफेस है आप लोगों का, इसका परपेंडिकुलर जाएगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो ये हो गया ई ए कॉस 180, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ए हो गया है बेस का एरिया जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आंसर बन जाएगा बच्चों अपने पास में, कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी, और भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, बहुत मेन है प्रैक्टिस इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके बच्चों, तो अभी तो काफ़ी काम बचा हुआ है अपने पास में, जैसे कि ये प्रॉब्लम हमें दे रखी है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको इस प्रॉब्लम के अंदर, आप सॉल्व अपने आप करेंगे। देखो बच्चों, आंसर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन दिया है 3/5 ई नॉट आई कैप, 4/5 ई नॉट जे कैप, सिर्फ आई और जे है, के नहीं है, तो मैंने लगा दिया 0 के। एरिया देखते हैं कितना है, एरिया है बच्चों, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर। अब तुम एक बात बताओ, पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो वाई भी है जेड भी है, क्या नहीं है? आप कहोगे कि सर एक्स नहीं है, वाई भी है जेड भी है, सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स ना होने की वजह से मैंने लगा दिया आई कैप, और मीटर स्क्वायर में दे रखा था तो सेंटीमीटर में बदलने की कोई जरूरत भी नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर में दे ही नहीं रखा है, मीटर में दे रखा है ऑलरेडी आप लोगों को। तो ये बन चुका है 0.2 आई कैप, ठीक है, वाई जेड प्लेन की वजह से, वाई है जेड है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल का मतलब क्या है, ऊपर वाई इधर जेड, यानी ऐसे है, एक साइड तो वाई के पैरेलल है, एक साइड तो वाई के पैरेलल है और एक साइड जेड के पैरेलल है बच्चों, एक साइड वाई के पैरेलल है, एक साइड जेड के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर जाएगा इधर, इसका परपेंडिकुलर जाएगा इधर, ऐसे परपेंडिकुलर एक्स की डायरेक्शन में जाएगा, ना यहां जे है तो 0 जे और ना यहां के है तो 0 के,
कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व? फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। देखो यहां आई के सामने यह है और यहां आई के सामने यह है, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जे के सामने है, यहां जे के सामने जीरो है। मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3E0/5 × 0.2। बस ई नॉट की जगह ये वाली वैल्यू यहां से उठाकर यहां रखनी है, कैलकुलेट करना है, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों आप लोगों की। इस तरीके से फ्लक्स आप लोगों को बनाना है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना है बिल्कुल ध्यान से। जितना भी आप लोगों को बताया गया है ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है? करिए जल्दी से नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, सो हमारे पास में ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी बताने को तो काफ़ी कुछ बचा है इसके अंदर, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। मैंने जितना आपको बताया उसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई हमारे पास में 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। एरिया वेक्टर है हमारे पास में 200 cm² इन एक्स जेड प्लेन। फ्लक्स निकालना है कितना होगा। दूसरी प्रॉब्लम पर आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 400 N/C जे कैप। एरिया हमें दे रखा है 100 cm² पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है बच्चों, पैरेलल टू वाई प्लेन, ओनली वाई प्लेन, ठीक है? आपको फ्लक्स बताना है कितना होगा। प्रॉब्लम अच्छी है बच्चों। वाई प्लेन का मतलब क्या है? वाई प्लेन का मतलब है ऐसे है, ठीक है? ये जो है ना वाई ऊपर की तरफ होता है, ये वाई के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे है वाई के पैरेलल, ध्यान रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वाई के पैरेलल है। नंबर तीन कंडीशन क्या है भाई हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 4i कैप + 2j कैप + k कैप। एरिया वेक्टर है -k 2i कैप + j कैप + k कैप। फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो स्टूडेंट ये आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं बच्चों। क्लास आज की मैं छोटी ही रखूँगा, बहुत लंबी क्लास नहीं रखूँगा। मेरे घुटने में थोड़ी चोट लगी हुई है और डॉक्टर ने अभी स्टैंडिंग मुझे अवॉइड किया है कि भाई स्टैंड आपको खड़ा नहीं होना है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो अभी 2-4 दिन आप लोगों की वीडियो बहुत लंबी नहीं आएगी, 35-40 मिनट की आएंगी, ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट करें आप लोग। और डाउट क्लास आप लोगों की होगी संडे में, संडे में उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिल जाएगा। तो संडे में आप लोगों की डाउट क्लास होगी, संडे तक आप लोगों के जो जो डाउट्स हैं वो आप लोग मेरे पास में सेंड कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दिया जाए। अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया हो तो ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो चैट ग्रुप पर, या चैट ग्रुप पर नहीं, अपनी प्राइवेसी रखना चाहता है वो, तो मेरे पास में व्हाट्सएप कर सकता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसे वहीं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों, ठीक है? चलिए आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है थोड़ा ईमानदारी से इसे पढ़ के आइएगा स्टूडेंट। सैटरडे में आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट का टॉपिक है टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, इन सब की बात हम लोग टेस्ट में करने वाले हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।